मैं एक ऐसी मूवी को खोज रहा था जिसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मुस्कुराइए हम हिंदुस्तान में हैं, मार पड़ेगी। और अभी हाल फिलहाल मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा हॉरर मूवी के ऊपर में है, थ्रिलर मूवी के ऊपर में है, क्योंकि मैंने शैतान मूवी देख के आई। बट एक और चीज़ जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो है ट्रॉमा। मेरे को बचपन से बहुत ट्रॉमा मिले, इतने ट्रॉमा मिले कि मैं मतलब बता सकता हूँ, मगर उसके लिए सेपरेट वीडियो बन जाएगा, तो फिलहाल अभी जाने दें। अभी मेरे को बहुत सारे ट्रॉमा याद आ रहे थे, फिर मुझे एक ऐसी मूवी याद आई जिसने मुझे बचपन में ट्रॉमाटाइज कर दिया था। उस मूवी का नाम है मकड़ी। भाई ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई है। अबे मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मकड़ी की एक्टिंग कर रहा था बेसिकली, बट वो हुआ नहीं मेरे से। देखो, एक गांव है जिसमें एक चुड़ैल का मेंशन है, और उस चुड़ैल के मेंशन में कोई नहीं जाता बिकॉज सबको डर लगता है चुड़ैल से, और कोई भी चुड़ैल के मेंशन में नहीं जाना चाहेगा बिकॉज अगर कोई भी वहाँ जाता है तो कभी वापस नहीं आता, और उसकी जगह पे वो जानवर बन के वापस आता है। और इस फिल्म की जो मेन किरदार रहती है, दो बहनें होती है जो कि कंजन मतलब ट्विंस होते हैं, और इनका बहुत आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। मेरे ख्याल से एक ही लड़की ने प्ले किया था दोनों ट्विंस को, या शायद ये असल में ट्विंस थे, जो भी हो। तो उसमें से एक बहन फॉर सम रीजन उस मेंशन के अंदर चले जाती है, और उसकी जो बहन होती है वो उसको फॉलो करते हुए वहाँ जाती है। तब उसको मालूम पड़ता है कि उसकी बहन को मुर्गी बना दिया गया है, और उसके बदले में वो उससे डील करने के लिए जाती है कि मेरी बहन को प्लीज़ छोड़ दो चुड़ैल को। और चुड़ैल उसको बोलती है कि तुम मुझे 100 मुर्गियाँ ला के दो, उसके बाद मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूँगी। डील हो जाता है, और मुर्गे वाले से वो धीरे धीरे करके चुरा के चुड़ैल को देती है। और ये चीज़ जब मास्टर को पता चलता है कि ऐसा यहाँ पर होता है, तो उसको लगता है कि यहाँ पर कुछ बुरा चीज़ चल रहा है जिसको रिवील करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको पता लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि यहाँ पर क्या गड़बड़ी हुई है, बिकॉज वो भूत और चुड़ैल के ऊपर में भरोसा नहीं करता। वो अंदर जाता है, वो भी वापस नहीं आता, उसकी जगह में एक कुत्ता वापस आता है। तो पता चलता है कि वो कुत्ता बेसिकली एक बार गलती से उस मैंशन में चला गया था, और ये कुत्ता का नाम कुछ अली बाबा ऐसे कुछ था। तो मतलब मालूम पड़ जाता है दोनों, वो बहन को और उसका दोस्त को, कि अगर ये मेरा अली बाबा है तो ये मास्टर जी नहीं हो सकता, और अगर ये मास्टर जी नहीं है तो उसकी जो बहन जो है मुन्नी भी तो मुर्गी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि चुड़ैल भी नहीं है। तो इन लोग से ठान लेते हैं कि इसको रिवील करेंगे कि अंदर में क्या चल रहा है, और आगे क्या होगा, इस मूवी में आगे क्या रहता है। इसको देखने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा कि इसका मिस्ट्री असल में है क्या। ओवरऑल स्टोरी को मैं बहुत अच्छा समझा। मैं बचपन में इसको बस फन के लिए देखता था, बट अभी मेरे को समझ में आया कि ये दर्शाता है कि भूत चुड़ैल एक्चुअली में होते नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि उस जगहों पर कुछ इलीगल काम हो रहे हैं जिसको पर्दाफाश करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और अंधविश्वास को दूर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक मैसेज देता है, और मुझे लगता है कि इसमें जो सीन्स है, इसमें जो डरावने सीन्स है, उस टाइम के हिसाब से जब मैं छोटा था तब मैंने चुड़ैल के पहले अपीयरेंस को देख के इतना डर चुका था, मेरे मुँह काँपने लगी थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, डर इतना ज़्यादा डरावना लगता है। और ओवरऑल कहानी बहुत अच्छी है, एंड इसमें जो एक्टिंग है, एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। इसमें ह्यूमर का जो मिलाया गया है, ह्यूमर भी बहुत अच्छा है, मतलब कहीं भी ओवर डन नहीं लगता है, ह्यूमर बहुत अच्छा मेंटेन किया जाता है। मतलब इसके हॉरर जॉनरा और ह्यूमर को परफेक्टली बैलेंस किया गया है, जिसकी वजह से ये मूवी मेरे को एक मास्टरपीस लगती है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं एक ऐसा मूवी खोज रहा था जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको मिल सकता है यूट्यूब पर। आप यूट्यूब में फुल मूवी देख सकते हैं, आपको कहीं अमेजॉन प्राइम नेटफ्लिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेलकम टू इंडिया, जहाँ पर हम फ्री चीज़ों का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। तो अभी मैं अलविदा लेता हूँ आपसे, क्योंकि मेरे इफ्तार खोलने का टाइम हो रहा है। मैं आपको मिलूँगा किसी और वीडियो में, अंटिल देन देखते रहिए मूवीज़, और मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। चलो बाय।